इलेक्शन जीतती है, इन डीसीज के जरिए डिलिमिटेशन कराती है। आपको खौफ ये है कि ये अगर डीसीज चले गए तो हमारी डिलिमिटेशन मर्जी की नहीं होगी, ये एसपी चले गए तो इलेक्शन, ये पुलिस थाना पुलिस कचहरी के जरिए जीतते हैं। मैं वज़ीर आला साहब और सिंध गवर्नमेंट के लोगों से कहता हूँ, रहम खाइए इन अफसरान पर, ये अच्छे लोग हैं, ये क्रीम होती है, जो कि ये ऐसा नहीं है कि बाजारी साहब का भांजा जो है वो डीएसपी बन गया है पब्लिक सर्विस कमीशन से, पीसीएस से, वो ऐसा नहीं है, अच्छे लोग होते हैं। सिंध गवर्नमेंट सिंध के अफसरान को रोककर इनको कंट्रोवर्शियल कर रही है, इनका मुस्तकबिल तबाह कर रही है, इनको खुदा हम नहीं चाहते, ये हमारे अच्छे अफसरान हैं कि इनका मुस्तकबिल, और अफसरान से भी कहता हूँ, आपने अपनी पसंद से अडॉप्ट किया, अब फेडरल सर्विस में गए, आपने वहाँ के पर्क्स प्रिविलेजेस वहाँ के मामला, आपने अगर 22 ग्रेड में जाके पूरे मुल्क में सर्व करना है तो यहाँ सिंध में कौन सी आपकी नाल गड़ी हुई है, क्या प्रॉब्लम क्या है ना जाने के ऊपर। बहुत सारे अफसरान का मैं उससे भी रब्ता हुआ है, वो जाना चाहते हैं, लेकिन वज़ीर आला मेजॉरिटी अफसरान के ऊपर खेलते हुए अपने ब्लू आइड अफसरान को बचाने के लिए सबका मुस्तकबिल उन्होंने दाव पर लगा दिया, हसन नकवी का, मसूद मेमन और फारूक बशीर एंड कंपनी की वजह से। थैंक यू सर।